हाय एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं अनदर लेक्चर ऑन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, टुडे वी विल बी लुकिंग इनटू समरी ट्रायल्स। ठीक है, समरी ट्रायल्स क्या होते हैं शॉर्ट में समझाऊं इन अ लेमैन्स लैंग्वेज। इफ आई हैव टू टेल यू, समरी ट्रायल मींस जहां पे आपको जल्दी जल्दी केस उल्टाने होते हैं। ठीक है ना, तो चैप्टर 22 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टॉक्स अबाउट समरी ट्रायल्स। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हु शैल ट्राई द केसेस इन अ समरी मैनर। ठीक है, तो देर आर टू पीपल, फर्स्ट इज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकेंड इज मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड नो बडी एल्स। ठीक, और किन किन केसेस का समरी ट्रायल में आप डिस्पोजल कर सकते हो। पहला केस, अगर थेफ्ट का केस आया है एंड द स्टोलन प्रॉपर्टी इज नॉट मोर देन 20,000 रुपीज। ठीक है, और किस केस में कर सकते हो? सेक्शन 317 भारतीय न्याय संहिता, जो स्टोलन प्रॉपर्टी को रिटेन करने का होता है, उसमें अगर 20,000 से ज्यादा की स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है देन समरी प्रोसीजर से ट्राई कर सकते हो। स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपाना, उनका डिस्पोजल कर देना, डिस्पोजल मतलब बेचेज देना। ठीक है, इसमें भी अगर 20,000 रुपीज तक है देन समरी प्रोसीजर कर सकते हो। ठीक, सेक्शन 331 भारतीय न्याय संहिता आप लोग देख लेना, उसमें क्लॉज 2 और क्लॉज 3, 331 का क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, दैट कैन बी ट्राइड थ्रू समरी मैनर। ठीक है, सेक्शन 352 दैट टॉक्स अबाउट इंसल्ट विद द इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। ठीक है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ऑल दिस थिंग्स कैन बी सॉर्टेड थ्रू समरी मैनर। ठीक है, इन सारे ऑफेंसेस का अगर आपने अबेटमेंट कर दिया या आपने अटेम्प्ट कर दिया देन ऑल्सो समरी मैनर से ट्राई करा जा सकता है। और एक ऑफेंस होता है सेक्शन 20 का, कैटल ट्रेसपास एक्ट। भाई मेरी गाय आपके घर में घुस गई तब क्या करेंगे? तो आप समरी मैनर उसको सॉर्ट करेंगे। आगे, द मजिस्ट्रेट मे आफ्टर गिविंग द अक्यूज्ड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ट्राई इन अ समरी वे ऑल और एनी ऑफ द ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रेजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल से ज्यादा की सजा इन सब में नहीं होती है, तो आप इसको समरी वे में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अनदर थिंग इज, अगर आपने समरी मैनर में कुछ केस ट्राई करा, नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मजिस्ट्रेट टू ट्राई अ केस इन समरी वे अंडर दिस सेक्शन। समरी मैनर में अगर केस डिसाइड हुआ है, नो अपील शैल लाई टू इट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, लर्न इट बाय हार्ट। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। आगे, When in the course of summary trial it appears to the magistrate the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, ठीक है, अब ट्रायल चल रहा है, then the magistrate का थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ, he thinks कि summary manner में इसका ट्रायल नहीं होना चाहिए, then what can the magistrate shall do? The magistrate shall recall any witness who may have been examined and proceed to rehear the case in a manner provided by the संहिता। ठीक है, उसको वापस रिकॉल करेंगे और फिर से उसके हिसाब से उसका समरी ट्रायल या मजिस्ट्रेट के यहाँ जो मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है वारंट ट्रायल, उसको वैसे समन्स ट्रायल या मजिस्ट्रेट वारंट ट्रायल की जैसे इसको प्रोसीड करेंगे। नाउ द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन एनी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास पावर टू ट्राई समरीली एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद ओनली विद फाइन और विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीड इन 6 मंथ्स। ठीक है, वो कह रहा है कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि ये जो समरी प्रोसीजर से मैटर ट्राई करने का जो पावर है वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी दे सकता है, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल क्या है? इन ट्रायल्स अंडर दिस चैप्टर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द संहिता फॉर द ट्रायल ऑफ समन्स केस शैल बी फॉलोड एक्सेप्ट एज इज हियर आफ्टर मेंशनड। ठीक है, कहा गया है कि समन्स केस जैसा चलता है वैसा ही समरी ट्रायल चलेगा, कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे। नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 ईयर्स शैल बी पास इन केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, 3 मंथ से ज्यादा आप समरी ट्रायल में पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। समरी ट्रायल चलता किसके जैसे है? जैसे समन्स केस चलता है, ठीक है, वैसे समरी ट्रायल चलेगा। सेक्शन 286 का कहता है कि जो समरी ट्रायल है उसका रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करा जाएगा। सो इस तरीके से सेक्शन 26 में क्लियरली मेंशन करा है, इट सेज
In every case tried summarily, the magistrate shall enter in such form as the state government may direct the particulars, namely, ठीक है, state government एक rules बनाएगी, उसमें किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से summary trial का record बनाया जाएगा, ये magistrate खुद बनाएंगे, ठीक है, इसमें serial number of the case लिखना होगा, date of commission of offence, date of report या complaint जिस मिली है, name of complainant, ये सब चीजें mention करनी पड़ेगी, ठीक, the offence claimed of, complained of, and the offence if any proved, and In cases coming under clause 1, clause 2, clause 3, clause 4 of section 283, the value of property, अच्छा ठीक है, जो हम लोग ने यहाँ पे जो offences पढ़े थे ना, ये सब, तो उनकी value of property भी आपको mention करनी पड़ेगी, ठीक है, accused का examination क्या हुआ, वो mention करना पड़ेगा, उस examination से क्या crux निकला, वो mention करना पड़ेगा, ठीक, एंड सेंटेंस और द अदर फाइनल ऑर्डर, ठीक, जो ऑर्डर होगा वो फाइनल करना पड़ेगा, ठीक, और किस दिन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हुई वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक, इन एवरी केस ट्राइड समरीली इन विच अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ एविडेंस इन जजमेंट कंटेनिंग इन ब्रीफ स्टेटमेंट्स रीजन ऑफ फाइंडिंग, ठीक है, अब कह रहा है कि अगर आपने प्लीड गिल्टी नहीं करा और ट्रायल पूरा रन करा तो यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी रिकॉर्डिंग दैट यू फाउंड ईच एंड एवरी एविडेंस दैट यू फाउंड सबको लिखना पड़ेगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑर्डर होगा उसको मजिस्ट्रेट साइन करना पड़ेगा ठीक है तो ये था समरी प्रोसीजर कैसे होता है कल हम लोग पढ़ेंगे प्ली बार्गेनिंग क्या है ठीक है सो प्ली बार्गेनिंग इज आल्सो अ वेरी वाइड टर्म इसको हम लोग देखेंगे समझेंगे क्या होता है एक एक सेक्शन को तोड़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग